अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की वीडियो के अंदर मेरे पास रेडमी 12C आ चुका है और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो के अंदर आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करेंगे इस डिवाइस का। और प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ रेडमी 12C जो है वो 38,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल इसका डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है मार्केट के अंदर, तो 35,500 से 36,000 जो आपकी जो प्राइस रेट है वो मोस्टली मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बॉक्स ओपन करते ही आपको डिवाइस देखने को मिल जाती है जो कि रैपर के अंदर पैक हुई हुई है। और इसको हम यहाँ से निकाल के फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन है, बैक साइड का कैमरा डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। रैपर यहाँ पे उतारते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ इसको, डिवाइस को ऑन करते हैं और बॉक्स के कंटेंट्स भी देखते हैं कि हमारे पास बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल की गई हैं। तो बैक साइड पर आपको लाइनें थोड़ी देखने को मिलती हैं, ब्लैक कलर है, ये ग्रे कलर इसको बोला जाता है, ब्लैक देखने को थोड़ा सा मिलता है। और लिड के बैक साइड पर आपको एक सेमी जैकन पिन मिल जाती है। इसके अलावा पेपर वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि पेपर वर्क गाइड है, जो आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ के इसको सेट आउट कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादा लोग इसको नहीं पढ़ते। चार्जिंग केबल है यहाँ पे, आपको जो है माइक्रो USB की चार्जिंग केबल दी गई है जो कि एक डाउनग्रेड है। इसके अंदर होना चाहिए था टाइप सी की चार्जिंग केबल, बट ओके है जो इसके अंदर अवेलेबल है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बॉक्स के अंदर चार्जर की बात करें तो 10 वाट का एक चार्जिंग अडाप्टर दिया गया है जो कि नॉर्मल चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। 5000 mAh की बैटरी है तो थोड़ा टाइम लगेगा डिवाइस को जो है वो चार्ज करने में, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर 128GB स्टोरेज दी जा रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। जो कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हमारे पास 35,000 से 36,000 की रेंज में 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ रेडमी ने डिवाइस लॉन्च की है, रेडमी 12C। तो डिवाइस को ऑन करते हैं, थोड़ी देर के अंदर ये ऑन हो जाएगी। ओवरऑल इसका अगर हम जायज़ा ले लें तो डिवाइस थोड़ी सी मुझे थिक फील हुई, 8.8 mm की इसकी थिकनेस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कैमरा का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। बैक साइड पे थोड़ी डिज़ाइनिंग और लाइनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बैक साइड पे कैमरा के साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो MIUI 13 यहाँ पे लोगो आ चुका है। डिवाइस को मैं सेट आउट करता हूँ, उसके बाद आपके साथ इसका फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करता हूँ कि डिवाइस कैसी है और सारी चीज़ें आपके साथ मैं इस डिवाइस के हवाले से बता देता हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए या डिवाइस को स्किप कर देना चाहिए। और भी काफ़ी सारे डिवाइस हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, तो सेटिंग आउट करने के बाद आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो डिवाइस हमारे पास सेटअप हो चुकी है। 6.71 इंच का आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हीलियो G85 का आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 12 आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। जबकि आपको यहाँ पे सिम स्लॉट दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी सिम स्लॉट है। ऑलरेडी 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, जबकि यहाँ पे देख लेते हैं सिम स्लॉट कौन सी है। तो डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको मिल जाती है, 2 सिम के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए देखने को मिल जाता है। कैमरे को ज़रा यहाँ पे रिन्यू किया गया है, थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन लेके आया गया है। सेंटर पे आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, रेडमी की ब्रांडिंग है। आपको जो है वो राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स की बटन, पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट और इसके अलावा आपको जो है वो लेफ़्ट साइड पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। और ये थी अनबॉक्सिंग रेडमी 12C की। होप्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसका कौन सा रिव्यू और कौन सा टेस्ट आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।